नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अखिलेश के गढ़ करहल से योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने पर योगी ने अखिलेश से कई सवाल किए। आइए आपको एक बार फिर से सीधे करहल लेकर चलते हैं। पर ये कोई हम लोग मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व था और प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश था कि जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस महामारी के दौरान। भाइयों बहनों, 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन और भाइयों बहनों दाल भी और रिफाइंड तेल भी दिया जा रहा है और साथ साथ 1 किलो नमक भी और अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी भी मिलना है ना। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने कभी अपनी संवेदना गरीब के प्रति व्यक्त नहीं की। इनके शासन काल में गरीब भूखा मरता था और अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं, जब 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का पूरा होने जा रहा है, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां कोई गरीब भूखों नहीं मर सकता है और कोई अन्नदाता किसान पैसे के अभाव में आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि हम तो प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं। और यही नहीं, वृद्धजनों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 12,000 रुपए सालाना। 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमने एक और निर्णय लिया है। इससे पहले खानदान कभी चाहता ही नहीं था कि किसी और का विकास हो। मैं भी परसों सिरसागंज गया था, एसपी सिंह बघेल जी का वह कार्य क्षेत्र रहा है, श्री हरिओम यादव वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी ने बिना किसी वजह के निकाल दिया, तो हरिओम यादव को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया और ऐसे ही बड़ी सभा हरिओम यादव जी के समर्थन में थी और हरिओम यादव ने उस दिन यही कहा। मैंने हरिओम यादव से ही पूछा, मुझे कहा मुझ में गए तो बताओ कि भाई आपको क्यों निकाल दिया। उन्होंने कहा, ये सिपाही खानदान चाहता ही नहीं कि कोई जनाधार वाला कोई यादव उनके साथ रहे और इसलिए उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, उन्होंने कहा मुझे उस दिन, कहा फिरोजाबाद में 5 सीट है, सिरसागंज तो डंके की चोट पर जीतेंगे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसागंज से हरिओम यादव, करहल से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और मेनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो फिरोजाबाद और मेनपुरी की भी सभी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा देखिए सिपाही खानदान का तो एक ही नारा है, एक ही नारा है, सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी नौजवानों के लिए और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। किसी नौजवान को बिना पैसे के नौकरी देते थे क्या ये लोग? हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। और अभी तो इन्होंने इतना बड़ा अनर्थ किया, हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे, इन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी, जबकि पहले से चली आ रही योजना थी। 6 महीने पहले हमने योजना लॉन्च कर दी थी। कोरोना के कारण इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और जब प्रोडक्शन आ रहा था हम उसी ढंग से वितरित कर रहे थे। हम लोगों ने भी तय किया है कि इन्होंने अगर विरोध किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन हम प्रदेश के अंदर प्राप्त करवाएंगे।
दो करोड़ युवाओं को, और यही नहीं माता पिता के ऊपर इसका बोझ नहीं आने देंगे। डिजिटल एक्सेस जो भी होगा वह प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कंपटीशन की तैयारी भी अपना टैबलेट और स्मार्टफोन से ही करके देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास एक बार फिर ये कहने के लिए आया हूं, बेझिझक अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर दीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने इतना तय कर लिया है, प्रदेश का एक जगह का गुंडा दूसरे जगह जाने की स्थिति में नहीं है आज के दिन पर। कुछ लोग जेल में चले गए थे, जेल के बाद बेल लेकर के बाहर आए होंगे, और अभी दो तीन महीने के लिए अब चुनाव की घोषणा हुई, थोड़ा इस समय रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, इनका रेंगना 10 मार्च के बाद भी बंद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो तय कर चुके हैं, हम तय कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मिटने देंगे, और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान को भी परेशान नहीं होने देंगे, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सफाई खानदान के लिए अपना कुनबा ही पूरा प्रदेश होगा, लेकिन मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है, और इसलिए पूरे प्रदेश के हित के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टेयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। आप देखना, उत्तर प्रदेश विकास भी करेगा, और ये दंगा फसाद करने वाले, कर्फ्यू लगाने वाले, व्यापारियों पर हमला करने वाले, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले, और ये जितने धमकीबाज है ना, इनको आप देखना 10 मार्च के बाद ये अपने गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए दिखाई देंगे, और वही आह्वान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।